संडे का सोच रहा हूँ मूवी देखने जाता हूँ, देखता हूँ कोई दोस्तों को फोन लगाता हूँ, कोई रिसीव करेंगे तो फिर प्लान करता हूँ। अरे मूवी चलेंगे क्या? हाँ वही 9 बजे का शो। ठीक है ठीक है, तो चलो मैं फिर मिलता हूँ वहीं पे, रेगालिया जो नया मॉल है ना शॉपिंग मॉल उसी के पास मिलते हैं। ठीक है ओके चलो बाय। डीएन रेगालिया एक मॉल शॉपिंग मॉल ऐसा खुला है मेरे घर से हार्डली 1.5 या 2 किलोमीटर मैक्सिमम है, तो मैं अभी वहाँ पे चलूँगा, एक दोस्त बुला उसी में ज्वाइन हूँ, तो जाके थोड़ा मॉल का एक्सप्लोर करेंगे। एक मूवी है नया अभी रिलीज हुआ बदला, तो उसे भी देख के आके बताता हूँ फिर वो मूवी कैसा है, उसका भी थोड़ा रिव्यू कर देंगे और थोड़ा घूम फिर काफ़ी आ जाते हैं। ठीक है ठीक है, फटाफट तैयार हो जाता हूँ फिर निकल के चलता हूँ। ये जो व्यू है जस्ट मेरे घर के सामने एक छोटा सा गार्डन है, ये सामने वाले का बिल्डिंग है और ये मेरा गाड़ी है, तो अभी थोड़ा सा प्लान चेंज हो गया। मैं जो मेरे फ्रेंड को कॉल किया था कि वहाँ पे मिलने, तो एक्चुअली वहाँ ना मिल के अभी मुझे जाना है उनके घर, वहाँ जाके उन्हें पिकअप करना है, फिर हम दोनों मिल के चलेंगे मूवी देखने। वैसे जाने के लिए मेरे पास 3-4 चॉइस हैं, एक तो ये जो अपना कार दिख रहा है वो है, ओ शिट चाबी भूल गया। ठीक है मैं अभी चाबी लेकर आता हूँ फिर कंटिन्यू करता हूँ। हाँ तो काम में था, मेरे पास 3-4 चॉइस है जाने के लिए। एक नंबर 1 वो कार गया, नंबर 2 और 3 जो है एंड 4 बहुत सारे बाइक्स का ऑप्शन है। तो एज़ यूजल जैसे सारे लड़कों को बाइक्स पसंद है, वो भी जब सुपर बाइक्स हो, निंजा 650 cc वगैरह, तो 4 चांद लग जाने वाली बात है। वैसा ही कुछ है अपने भी हाल, तो मेरे पास जो चॉइस है वो कुछ ऐसा है, रॉयल इनफील्ड थंडरबर्ड। मैं मॉडिफाई किया उसे हार्ले वाला लुक्स देने के लिए, लेकिन ठीक है इट्स ओके। और ये भी एक निंजा 650 है, लेकिन इसमें क्या है रॉयल इनफील्ड में डस्ट है ज़्यादा, तो इसलिए मैं प्रीफर करूँगा उसे और इसे। ओ माई गॉड यहाँ भी डस्ट है काफ़ी सारा। ठीक है वही मैं काम करता हूँ, मैं निंजा 650 लेकर चलता हूँ। अरे जल्दी निकलो, अरे जल्दी निकलो, अब बस 2 मिनट। 9:15 का शो है बताया तो था। हाँ ठीक है। तो ये मोहतरमा थी जिसके पास जिसके साथ मैं ऑलमोस्ट पहुँच गया मूवी थिएटर के। अभी प्लान ये है कि गाड़ी को बेसमेंट में पार्क करेंगे और सीधा निकल जाएंगे टिकट खरीदने, क्योंकि मैं ऑनलाइन टिकट खरीदा नहीं। ऑनलाइन टिकट खरीदने से लगभग 50-60 रुपये एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है, वो कुछ चार्जेस वो लोग का है, तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि वहीं पे जाकर खरीदूँगा, क्योंकि मैं ऑनलाइन चेक कर लिया था कि बहुत सारा सीट्स खाली है। सो आई डिसाइडेड टू बाई टिकट फ्रॉम देयर ओनली, और वही अभी करने वाला हूँ। सो ये ज़रा सा ही झलक है, मतलब अपना जो DN रेगालिया मॉल कैसा है। और टिकट प्राइस बहुत चीप था, कुछ 76 रुपीज़ का है। सुबह अगर आप 9 बजे जाते हैं ना, टिकट 76 रुपीज़ पर पर्सन है, तो 150 से थोड़ा ज़्यादा में आपको मिल जाएगा, 152 रुपीज़ में 2 टिकट मिल जाएगा। और यहाँ से मैं सीधा टिकट आप उसे चूज़ कर सकते हो जो मॉनिटर है उसमें, इसलिए मैं टिकट ही सिलेक्ट कर रहा हूँ कौन सा सीट चाहिए क्या चाहिए। पहले मैंने कार्ड से पे करने का सोचा, लेकिन वो फेल्योर होने की वजह से डायरेक्ट मैंने कैश पे कर दिया। सो अभी यहाँ पे आइनॉक्स में और कुछ कुछ चीज़ें नहीं आई हैं यहाँ पे, जैसे आप अपना कुछ खाने वाने का मेनू है या टिकट है वो वहाँ पे डिस्प्ले में डायरेक्ट आप ऑर्डर करेंगे तो ऐसे ही निकल के आ जाता है। इसी का बात बोला था, उसका नाम है फास्ट टिकट। अभी काफ़ी दूसरे मूवी की स्क्रीनिंग चल रहे हैं, गली बॉय और अपकमिंग मूवीज़ आर ऑल्सो देयर। सो ये है जस्ट उसका आइनॉक्स का एंट्री, यहाँ पर सिक्योरिटी चेक होगा। हाँ अगर से आप कुछ खाने पीने का सामान या पानी भी लेके जा रहे हैं तो ये अंदर अलाउड नहीं है, तो हमें मालूम था रेगुलरली यहाँ पे जाते हैं, तो इसलिए हम लोग क्या किए ना पानी वानी कुछ लेके गए नहीं थे। ये हूँ मैं और बाकी काफ़ी सारे मूवी के पोस्टर लगे हैं और ये सब कोई चल रहे हैं कोई आने वाले हैं वैसा है, बट मुझे सही लगा अमिताभ बाला तो मैं वही प्रीफर के जाना। यहाँ पे लोग का खाने पीने का जो कुछ मिलता है स्नैक्स वगैरह सब यहाँ पे मिलेगा, लेकिन वैसे आप जा रहे हैं मूवी देखने के इरादे से और स्टूडेंट्स हैं बजट में चल रहे हैं तो प्रीफर करिए घर से खा पी के आने के लिए, क्योंकि यहाँ पे मैं एक सैंडविच एक बर्गर 2 चाय एक मिनरल वाटर इतना लिया तो उसका कॉस्ट 610 रुपये था। ये कुछ सीन्स हैं अंदर के आइनॉक्स से, लाइटिंग वाइटिंग काफ़ी तगड़ा है और साउंड क्वालिटी ऑल्सो जस्ट सुपर एंड फैंटास्टिक, आई वॉज क्वाइट इम्प्रेस्ड विद दिस। तो मैं क्या कहना चोरी चुपके मोबाइल निकाला, कुछ कुछ सीन भी रिकॉर्ड कर दिया उसमें जिसका मैं क्लिप्स प्ले कर रहा हूँ,
जहाँ तक मूवी की रिव्यू की बात है, मूवी बड़ा ज़बरदस्त मूवी है, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। हो सकता है कि मैं काफ़ी दिन बाद 7-8 महीने बाद एक मूवी देख रहा हूँ, तो इसलिए मुझे अच्छा लगा। बट उसका स्टोरी लाइन काफ़ी तगड़ा है, अमिताभ सर का एक्टिंग और तापसी पन्नू का भी एक्टिंग काफ़ी ज़बरदस्त कमाल का है। अगर आप जाना चाहते हैं तो जाके देख सकते हैं, वन टाइम वॉच है, क्योंकि एक थ्रिलर सस्पेंस टाइप मूवी, एक बार में सारा सीक्रेट तो पता चल ही जाएगा, बार बार जाने का कोई मतलब नहीं, तो वन टाइम वॉच पक्का है। अगर आप फ्री हैं, वक्त है आपके पास, तो जाके एक बार जरूर मूवी देख लीजिए। ये मूवी काफ़ी इसका रेटिंग अच्छा है, मैं तो रेटिंग देख ही गया था, अच्छा रेटिंग है, 87-88% का रेटिंग था आईनॉक्स में, तो वो देख के मैं डिसाइड किया कि ये वाला मूवी देखने जाता हूँ, और बॉस पैसा वसूल है, मुझे तो अच्छा लगा। देखिए सबका अपना अपना टेस्ट है, बट आई फेल्ट गुड। बाकी यही था, हम लोग कुछ कुछ छोटा मोटा स्नैक्स वॉक्स खाए, मूवी देखे, थोड़ा इधर उधर मॉल में घूमा फिरा किए, बाद में घर वापस आ गए, और 9:15 टाइम था, लेकिन मूवी 9:20-9:25 के आसपास चालू हुआ। जब 9:15 गए तो कुछ आठ बार चल रहा था, और लोग भी ज़्यादा नहीं थे, क्राउडेड नहीं था। नॉर्मली मॉर्निंग शो में सबसे ज़्यादा लोग होते हैं, क्योंकि टिकट प्राइस काफ़ी सस्ता है, 75-80 रुपीज़ का टिकट है, तो काफ़ी लोग रहते हैं, लेकिन हम लोग जब गए तो कोई मिला नहीं वैसे। बाकी हम लोग मूवी देख के आ गए। अभी ये है मेरा बाइक जिसमें हम दोनों फाइनली गए थे, सो इट्स ए गुड बाइक। एक्चुअली हो गया, 1 साल से ज़्यादा हो गया मुझे मेरे ख्याल से खरीदे हुए, मैं तो इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करता, रात को ही निकलता हूँ, जब डे टाइम कहीं जाता हूँ तो कार से जाता हूँ, रात को नॉर्मली बाइक लेकर निकलता हूँ, लेकिन आज वेदर थोड़ा क्लाउडी था, तो मैं डिसाइड किया कि बाइक ही ले चलता हूँ, इतनी धूप में नॉर्मली मैं निकलता नहीं। पार्किंग इस मॉल के बेसमेंट पे ही है, और रास्ते में सब कुछ देखने मिला, जो मिला उसे रिकॉर्ड करके आप पेश कर रहा हूँ आपके सामने। गन्ने का जूस, और ये मैं हूँ, मैं बाइक चला रहा हूँ, सो एवरीथिंग बाइक दैट ओनली। अभी फ़िलहाल आके घर के सामने मैं पहुँच गया, अभी इस बाइक को ठिकाना लगाना पड़ेगा, आई मीन पार्क करना पड़ेगा सही से, देन रेस्ट लेता हूँ, फिर उसके बाद बात कुछ करते हैं। ये है घर का एक छोटा सा व्यू डाला मैंने, यहीं पे मैं रहता हूँ, सो यही है जो कुछ है, सब कुछ यही है। घर के अंदर का एक छोटा सा ड्राइंग रूम है मेरा, जो गेस्ट वेस्ट आते हैं यहीं पे बैठते हैं, बाद में मैं अपना स्टूडियो का सेटअप टूर वगैरह भी दिखाऊँगा, धीरे धीरे दिखाऊँगा। तो ये मेरा ऐसे पहला ब्लॉग है, गलती से मैंने ऐसे ही इसे टैप को ऑन करके छोड़ दिया, तो ऐसे ही चल रहा था, बाद में मूवी देख के आके मैंने उसे बंद किया, तब तक